दोस्तों जैसे ये वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, आज हम जा रहे हैं मुनस्यारी की तरफ। ये एक हिल डेस्टिनेशन है। आप देख रहे हैं नेचर नियर ब्लॉगर, मैं हूँ उमेश पाठक। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब स्टे ट्यून विद। दोस्तों ये मेरा ट्रिप दिल्ली से मुनस्यारी का है, वाया बागेश्वर। इस समय मैं बागेश्वर में हूँ, सुबह की 7:30 हो रहे हैं। अब अपने मुनस्यारी के लिए मूव करते हैं। दिल्ली से बागेश्वर की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 451 किलोमीटर और बागेश्वर से मुनस्यारी की 148 किलोमीटर। अभी दोस्तों जो मैंने रास्ता चुना है वो वाया थल एंड चौकोड़ी है, और ये रास्ता थोड़ा लंबा और अच्छा है। और दूसरा रास्ता वाया कपकोट का है। अभी हम श्योर नहीं कि वो रास्ता कभी ख़राब भी रहता है, बरसात में तो ज़्यादा ख़राब रहता है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा फॉग बहुत ज़्यादा है। हेमी भाई तुम अभी क्या कह रहे थे कि तुम कई सालों में उठे हो सुबह आज? ये हमारे भाई है पीछे हिमू भाई, ये बोल रहे हैं कि मैं कई सालों में उठाऊं देखो उधर। 12-1 बजे से पहले नहीं उठते ये। तभी इनको ये सुबह का इनको आवाज़ ही नहीं है मौसम कैसा होता है। ये सुबह पूछ रहे ऐसे ही रहता है कि रोज रोज। ये भी कमाल के आदमी है। एनीवे ये बातें तो होती रहेंगी दोस्तों। अब आप देखिए सामने आ रही हैं हिमालय पीक्स। ये शानदार व्यू बन रहा है हिमालय का, क्या ओसम पीक। इनका नज़ारा करते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ये है चौकोड़ी। देखें यहाँ पे कुछ है तो किस कौन सा, ये हिम शिखर है बड़ी होटल। ही होटल आपको काफ़ी मिल जाएंगे, इधर छोटी लॉज भी मिल जाएंगे कुछ खाने के। देखें यहाँ पर कुछ खाने का, आगे आगे देखें। बेसिकली यहाँ पर एक ये है कि एक हिमालयन स्पॉट, हिमालय व्यू देखने का है, दूसरा वो उसका है टी गार्डन वगैरह यहाँ पर काफ़ी। चौकोड़ी के अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं उडारी बैंड पे। ये उडारी बैंड का व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये बेरीनाग, पाताल, बनेश्वर और इधर की तरफ के रास्ते हैं। ये रास्ते तीन रास्ते हैं सर, ये मुनस्यारी को, ये वाला रोड। ये मुनस्यारी वाला रोड है लेफ्ट की तरफ को, राइट को बेरीनाग, भुवनेश्वर केव है ना दास। पराठे, टमाटर की चटनी और चने, ब्लैक चना। अब हम मुनस्यारी थल के नज़दीक पहुंच चुके थे। वहां से 75 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट और था, लेकिन हम शायद आज शाम को पहुंच पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल। अब हम थल के नज़दीक पहुंच चुके थे और ये ब्रिज आप देख रहे हैं, ये रामगंगा रिवर पर बना हुआ ब्रिज है। थल एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा है, यहाँ से दो रोड्स कटती हैं, एक और एक उत्तराखंड के लिए। ये जो रोड जा रही है ये मुनस्यारी की तरफ। अब दोस्तों चलते चलते बोर तो हो ही जाते हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम। गम है
बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। डंपी के आदमी की कम हुआ सही है। आगे क्या बाबा बच्चों की कुछ देर की अंताक्षरी और उसके बाद राम गंगा रिवर का किनारा। राफ्टिंग हो रही है रामगंगा रिवर में। थल से कुछ ही किलोमीटर पे दूरी पे है ये, अप्रॉक्सीमेट 7 किलोमीटर। तो इस समय हम ये आप भी कर सकते हैं यहाँ पर राफ्टिंग। यहाँ थोड़ी दूर पे ही एक राफ्टिंग सेंटर है, कुछ हट्स भी हैं और टेंट भी हैं। साफ क्लीन वाटर, कितना शानदार पानी है देखिए, बिल्कुल क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर क्लीन। इसको हम पी सकते हैं बिल्कुल रिवर से। इसके बाद हमने यहाँ पर एक टी ब्रेक किया, अब हम चाय बना रहे हैं। ये मेरे पास एक छोटा सा ट्रैवलिंग गैस चूल्हा एंड सिलेंडर है, पॉकेट चूल्हा है, फोल्डिंग चूल्हा। इसको भी बता दूंगा कहाँ से मैंने लिया है, छोटा सा चूल्हा है। और उसके साथ में सिलेंडर लगता है, वो डिस्पोजेबल होता है, तो 2 से 3 घंटे चलता है अप्रॉक्सीमेट। इसमें हमने फैसला किया, थोड़ा जाड़ों का मौसम है तो ठंड भी यहाँ पर काफ़ी है, तो केसर वाली टी हम बना रहे हैं अभी बगैर दूध की। अच्छा ठंडी में तो बहुत पी सकते, पत्ती इसमें थोड़ा सा डालेंगे और इलायची भी डाल देंगे इसमें एक ही, और ये थोड़ा सा केसर ने कलर दे दिया है देखिए। ये हेल्दी टी बनेगी। इसको गैस को कर देते हैं बंद, ये गैस अभी बंद, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, बंद होगी गैस, ये बिना गैस बंद होगी। ये भाई वो दो गिलास ये आ गया, हमारा छानने वाला है, ये हमारा मल्टीपर्पज छानने वाला है भाई, मल्टीपर्पज छानने वाला है ठीक है। ये इसको ऐसे पकड़ के ये ठीक है जी, एक भाई आप लो और ये हमने लगा, ये मल्टीपर्पज पॉट है, इससे छान भी लो, ये इसके काम भी काम, टोंग का भी काम कर जाएगा और पूरी निकालने का काम भी कर जाएगा, ये सब कर जाएगा ये वाला, ये मल्टीपर्पज है। तो अभी भाई टी ब्रेक करें फिर लीजिए, ये लो जी, ये लो चीयर्स। इधर हमारे छोटे वाले भाई साहब पेपर दे रहे हैं, उनका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, यही नदी के किनारे अपना टेस्ट पेपर दे रहे हैं ऑनलाइन गूगल पेपर। ये हमारे छोटे ईशान भाई हैं, ये हिम्मू भाई हैं, वो हमारी वाइफ है कभी। और यहाँ पर पीछे राफ्टिंग भी चल रही है, ये
निकल रहे ऊपर से। कुछ देर एंजॉय करने के बाद और रामगंगा रिवर का साफ निर्मल बहता हुआ जल और सामने ये पहाड़ियां और उनसे छनती हुई सूरज की रोशनी, मन तो नहीं करता था जाने को लेकिन चलना तो पड़ेगा ही दोस्तों। अब मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड विथ मी।